सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनदेव। आज हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जिले के पचुरकी प्रखंड के सहलौर पंचायत में। मैं बताते चलो कि सहलौर पंचायत के मुखिया संजय सिंह ने अपने सहलौर पंचायत के बहुत ही आदर्श पंचायत बनाने का प्रयास किया है, और यहाँ तक कि अपने फंड के अनुसार जो सरकार से जो फंड मिलती है मुखिया को अपने पंचायत में कार्य करने के लिए, उसके साथ साथ अपने निजी फंड से भी बहुत जगह अपने पंचायत में कार्य किया है, बहुत सारे वार्ड में भी कार्य किया है। हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं अपने पंचायत को एक ड्रीम पंचायत बनाने का प्रयास करूं, हमेशा समस्या का समाधान को दूर करने का प्रयास करूं। तो आइए हम इनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे ट्रिक से आप काम करते हैं ताकि आप इस पंचायत के मुखिया के एक निखर के एक हाईलाइटेड चेहरा आ रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताएं और बताएं कि जो 5 साल में जो आपने कार्य किया है हमारे पंचायत के जनता के लिए, किस किस तरह से जनता आपसे खुश है, और फिर न्यू क्या प्रोग्राम है आपका इसके बाद। सबसे पहले इस सलोर पंचायत के पावन धरती पर आपका स्वागत है, और आपका पूछ रहे हैं कि किस तरह से हमने काम किया है। तो इस पंचायत में 2016 में हम जब मुखिया हुए, लोगों का आशीर्वाद मिला, तो उसके बाद से हम लगातार कोशिश किए कि जिस रोड हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य संबंधित सभी जो भी योजना है उसको हमने अच्छी तरह से काम करने का काम किया। और हमारे पंचायत में जितने भी विवादित काम थे, 50-50 साल के विवादित जो रोड थे, सलोर आता है वार्ड नंबर 6 में 470 फीट रोड विवादित था, फिर ग्राम बुदू छपरा है 500 फीट लगभग रोड जो काफ़ी दिनों से विवादित था, फिर उसके बाद लगभग 12 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और हमारे पंचायत के अंतर्गत जो पैसा मिलता है मिलकर के हमने रोड का काम कराया। इस तरह से सरकार का जितने भी योजनाएं हैं, जैसे जन जीवन हरियाली हुआ, नल जल योजना हुआ, पक्की गली नली योजना हुआ, हमने बहुत ही अच्छा तरह से धरातल पर उतारने का काम किए हैं, और हम इसमें जनता का भी काफ़ी सहयोग मिला है जिससे हम ये सब काम कर पाए हैं। और जैसे कि इस 5 साल के मुख्य के कार्यकाल में सर 2 साल तक कोरोना की वजह से डिस्टर्ब रहा है, उस कोरोना काल में भी जैसे कि हम लोग पता चला, हमारे संवाददाता से पता चला कि युद्ध स्तर पर जाकर और अपने अपने पंचायत में जा जाकर लोगों को राशन दलहन साबुन हर तरह के पहुंचाने के कार्य किए थे, क्या उस समय में आपका क्या अनुभव रहा है, और आपको इस कोरोना हो जाए, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप जनता के लीडर हैं, तो किसी प्रकार का डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। अपना सेफ्टी रखते हुए लोगों को ध्यान दिलाना था कि किस तरह से इस कोविड से हम लोग को बचना है, किस तरह से अपना सेफ रखना है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम भी अपना पूरा ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए लोगों के बीच में राशन का वितरण हुआ, फिर से 1200 लगभग राशन कार्ड हम जो भी हमारे पंचायत में नहीं था लोगों को उनको हम बनवाने का काम किया, फिर लगभग 1200-1400 पेंशन का काम हुआ है। इस तरह से अब 400 हम नया आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें नया हम जोड़ने का काम किए हैं, और इसमें कोरोना काल में बहुत ही लोग को दिक्कत था, पूरा देश जूझ रहा था, इसके बीच भी हमने समय का ख्याल रखते हुए ज़्यादा काम किया है, कम समय में ज़्यादा काम, इसलिए कि जो समय है पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है, इसलिए हम सरकार की योजनाओं से हट करके अपना भी कुछ मत जो था हमारे पास पैसा था, हम चिमनी चलाते हैं, उसमें से पैसा निकला, ईंटा बेचे, फिर उसमें हम योजना में लगा दिए, फिर आगे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा फिर देखा जाएगा। जैसे सर का कहना है कि अपने पंचायत के जनता के लिए मैं युद्ध स्तर पर काम किया, अपने आप को बचाने के साथ साथ युद्ध स्तर पर काम किया, यहाँ तक कि सरकार का जो योजना है वो मिलने के बाद उसके साथ काम करने के बाद मैं अपने निजी फंड से जनता की सेवा के लिए अपना फंड में लगा दिया, तो ये बहुत ही गरिमा की बात है और काफ़ी सराहनीय बात है। तो सर इसके लिए कि हमारे चैनल भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगी कि आप जनता के लिए इतना युद्ध स्तर पर काम करते हैं और इतना सकारात्मक विचार जनता के लिए रखते हैं। अभी तो सर परामर्श समिति बना के पंचायत के चला जा रही है, बहुत कम दिनों में आपको चुनाव होने वाली है, तो इस बीच आप किसी जानता है कि कहीं कोई पीड़न हो या कोई रोड से समस्या हो या नल जैसे समस्या होता है, इस काल में भी अगर आती है तो उसको मदद मिलेगी, उसको फंड मिलेगा, उसको सहायता किया जाएगी आपके अनुसार? जी बिल्कुल, हम सरकार की योजनाओं के बारे में नहीं सोचते, हम काम के बारे में सोचते हैं। हम जब जनप्रतिनिधि हुए
और पहले से भी हम लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। कोई आप देखे भी होंगे, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, चाहे कोई गरीब हुआ, कहीं भी जनता का जो सही चीज़ है उसको आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और मेरा सपना है कि जो गरीब तबका के लोग और जो सही जिसको ज़रूरत है वो चीज़ प्रशासन के तहत उसको दबाया जा रहा हो, उसके लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे और उठाए भी हैं। मेरा यही सपना है। और एक पंचायत में जो जन जीवन हरियाली के तरह जो पौधा रोपण करना है उसको भी हम लागू करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि मेरा पंचायत एक ग्रीन मॉडल पंचायत के नाम से जाना जाए, यही मेरा सपना है। जैसे कि अभी सर चुनाव आने वाली है और ये हाल ही फिलहाल एक महीने के अंदर में सारा प्रोसेस होने वाली है, तो इसमें सर आपको जनता से कितना उम्मीद है, क्या जनता फिर आपको पुनः अपने मुखिया के रूप में चुनाव करेगी या आप फिर उद औसत पर स्ट्रगल करिएगा जनता के बीच में जाकर? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। अब जो काम किए हैं उसके अनुसार हमको हमारे सभी सोलर पंचायत के सम्मानित जनता का साथ मिलेगा और बाहरी भी बहुत सपोर्ट है मेरा। काम कीजिएगा तो ज़रूर उसका फल मिलना ही है, ऐसा नहीं है, लोग भी जागरूक हैं। हाँ, 2-4% लोग हैं जो सेल्फ जिसको काम है वो उनका नहीं हो पाया होगा, वो थोड़ा नाराज़ होते हैं, लेकिन उन लोगों को भी मनाने का काम करेंगे, ऐसा कुछ। जैसे कि हम बता दूं कि सिवान जिले के पचुरी प्रखंड के सोलर पंचायत के मुखिया संजय सिंह किए हम लोग हैं। संजय सिंह का कहना है कि अगर हम अच्छे तरीक़ा से अगर काम किए हैं तो खुद लोग जनता के पास बुद्धि है, विवेक है, विचार है, जनता खुद जानेगी, छानेगी, पहचानेगी, तब वोट मारेगी। जनता उसका वोट उसका भविष्य है, अपने भविष्य को कोई गड्ढा में नहीं ढकेलेगा। ये काफ़ी अच्छी विचार है, अच्छी सोच विचार है। तो सर लास्ट में ये जनता को अपना क्या मैसेज देना चाहिएगा? अभी कोरोना काल का माहौल चल रहा है, उसमें बहुत लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है, इस स्थिति में किस तरह से आप जनता का मैसेज देना चाहिएगा? इस तरह इस अब आने वाला 1-2 महीने में जो चुनाव है उसमें हम अपने सलोर पंचायत की समस्त सम्मानित जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि एक बार और हमको मौका दें, जो कि जो छोटा फूटा काम है उसको हम काम पूरा करेंगे। इसलिए कि इस 5 सालों में बहुत ही हमको कम समय मिला है, 2 साल कोरोना काल, 1 साल फिर वार्ड के अनवर प्रबंधन समिति जो हुआ सरकार के द्वारा, उसमें मुखिया और वार्ड के द्वारा केस वो सब लोग हाईकोर्ट तक लड़े हैं, इसमें हमको बहुत कम समय मिला, फिर भी हमने बहुत ज़्यादा काम कराने का काम किया। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत बाकी है उसको हम काम करने का काम करेंगे। जैसे सर के कहना है कि जब हम मुखिया थे तो सरकार के फंड के अलावा भी हम अपने निजी फंड से जनता के लिए सेवा किए हैं, यही प्रमाण है, खुद जनता हमारा प्रमाण है। अगर जनता पुनः अगर हमको एक बार और अपना सेवक के रूप में अगर लाती है तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अपने पंचायत को ग्रीन लैंड बनाने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही सराहनीय बात है कि एक पंचायत के मुखिया इस बड़े स्तर से सोचते हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग भी नहीं सोचते हैं, और सोचते हैं तो कर नहीं पाते हैं, हर सुविधा और सुख होने के बावजूद भी। जो हम भी चाहेंगे कि सोलर पंचायत को जितने भी जनता है, ये मुखिया जी संजय सिंह मुखिया जी को विचारों को अमल करें और इन पर ध्यान दें, और जैसे वो करते हैं वैसे इनके कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। अंततः सर आपसे CCTV न्यूज़ चैनल से आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। CCTV न्यूज़ चैनल के विषय में सर आप क्या कहना चाहिएगा? हम यही करना शुभकामना देना चाहेंगे कि आपका चैनल बहुत आगे जाए और इस तरह के जो सही न्यूज़ है, जनता के हित की जो बात है, आप इसको उजागर करें, जिससे कि लोगों को मीडिया के प्रति विश्वास जगे, यही मेरा शुभकामना है। चलिए, तो अभी हम बात की है सिवान जिले के पशुखी प्रखंड के सोलर पंचायत मुखिया संजय सिंह, जो जिन्होंने पूरे 5 साल अपना मुखिया के जनता के साथ बिता दिए हैं, यहाँ तक कि पूरे युद्ध स्तर पर काम करते हैं, 7/24 जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो हम भी चाहेंगे सोलर पंचायत के जनता के साथ कि मुखिया जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर आने वाले भविष्य में भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग आसमान की ऊंचाई तक छुएंगे। इसी के साथ CCTV न्यूज़ के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनदेव, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान, थैंक्स।